नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ में है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 3000 लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। आईटीबीपी के जवानों का लद्दाख में 18000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम। ट्विटर ने झाड़ा पल्ला, घटना से हमारा लेना देना नहीं, हम ऐसे टॉपिक को डील नहीं करते। यूपी पुलिस दोबारा नोटिस भेजेगी। सिंधवी बोले, ओम कहने से योग शक्तिशाली नहीं होगा। बाबा का जवाब, योग करिए, आप सभी को एक ही परमात्मा दिखेंगे। शरद पवार 15 दिन में दूसरी बार प्रशांत किशोर से मिले, इसके बाद 15 विपक्षी दलों की कल बैठक बुलाई। लखनऊ से 2 मौलाना गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती थी फंडिंग, 1000 गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। पाक को उम्मीद, ग्रे लिस्ट से निकलेगा और अच्छे दिन आएंगे। दुनिया को डर, प्रतिबंध हटे तो आतंकी बेलगाम हो जाएंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर विचार कर रही सरकार, 60 से 62 रुपए प्रति लीटर ईंधन में चलेगा। नितिन गडकरी ने किया इससे जुड़ा बड़ा ऐलान। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक होंगे प्राइवेट, शेयरों में 20% का उछाल। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, हालात सुधरे तो अगस्त सितंबर के बीच हो सकते हैं ऑप्शनल एग्जाम्स। रिजल्ट से जुड़े विवाद के लिए पैनल बनाए जाएंगे। कपिल शर्मा ने शेयर की दोनों बच्चों की फोटो, बोले पब्लिक डिमांड पर अनायरा और त्रिशान पहली बार एक साथ। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स, रहे सावधान और सतर्क।